इस लड़ाई की वजह से उसे दो लड़कियों में बंटना पड़ा। बड़ी लड़की जो हमेशा मुसीबत करती थी और अकेली लड़की जिसे दोस्त बनाना अच्छा लगता था। सबरीना के परिवार की यही तस्वीर उसके रूम में भी थी। अगर तुम्हारे पास भी सेम तस्वीर है तो इसका मतलब है कि तुम इसे पता तो नहीं चल गया। अब तक तो इसे पता चल ही गया होगा। उसे जरूर मालूम होगा कि मैं सबरीना का डैड हूँ। तो इसका मतलब है कि ये तस्वीर तुमने ही खींची थी। क्या तुम फिर से अपनी इज्जत घटाने के लिए आए हो? सबरीना का पोकेमॉन होगा। अब बारी है मेरे पोकेमॉन की। मैं चुनता हूँ हॉन्टर को। हॉन्टर? ओ नहीं, फिर से नहीं। हॉन्टर, हॉन्टर, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम कहाँ चले गए? छिपना बंद करो और बाहर आओ। हॉन्टर, हॉन्टर, मेरी नई गुड़िया। गुड़िया, तुम मेरे लिए लड़ना चाहते हो? शुक्रिया पिकाचू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैंने उसे अपनी जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं देखा। पर अगर तुम सबरीना को बचपन से जानते हो तो इसका मतलब तो तुम्हें पता चल ही गया। तुमने उसकी बचपन की तस्वीर भी खींची होगी। इतने नादान कैसे हो सकते हो तुम? कडाबरा को दर्द क्यों हो रहा है? कडाबरा और सबरीना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कडाबरा हंसी के मारे रो रहा है सबरीना की तरह।